त्रिकोणमितीय समीकरण। जिस प्रकार एक चर राशि वाले बीजीय समीकरणों को हल कर अज्ञात राशि x, y, z आदि राशि का मान ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार त्रिकोणमिति समीकरण को हल कर अज्ञात कोण थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। इस भाग में हम उन त्रिकोणमिति समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिनमें चर यानी कि अज्ञात कोण थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य हो। उदाहरण 9। समीकरण 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। यदि 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। समीकरण त्रिकोणमिति समीकरण के रूप में है और यह समीकरण ऐसे है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह एक समीकरण है और इसको हल करना है। हल करने का अर्थ है इसमें जो भी अज्ञात राशि हो, अचर चर के रूप में जो राशि होगी, जो अज्ञात होगी वो ज्ञात करना। तो यहाँ पर यह कोण थीटा है, ये अज्ञात है और इसको हमको ज्ञात करना है। लेकिन इसकी शर्त दी गई है प्रश्न में कि जब हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो इस थीटा का मान 0° और 90° के बीच में होना चाहिए, अथवा 0 होना चाहिए अथवा 90°। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 0° ये छोटा है या बराबर है थीटा के, थीटा अंश के, और थीटा अंश बराबर है या छोटा है ये 90° के। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो थीटा है उसका मान 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 0 और 90 के बीच में और भी कोई मान हो सकता है, तो वो हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम ये 1 को दूसरी ओर भेज देते हैं, पक्षांतरित करते हैं, तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हम 2 को इसके हर में भेज दें तो साइन थीटा का हमको मान मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के रूप में लिखा जा सकेगा। अब हमको ये सोचना है कि इस तरफ तो साइन थीटा दिया हुआ है, हमको ये सोचना है कि क्या हम साइन में किसी कितने अंश का मान है जो 1/2 के बराबर होता है ये जानते हैं। तो त्रिकोणमिति सारणी यदि हम देखेंगे तो हमको ये मिलेगा 1/2 किस में, साइन 30° का मान 1/2 मिलेगा। तो हम 1/2 के स्थान पर साइन 30° लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर यहाँ पर हमने लिख दिया है साइन 30°। अब यदि हम दोनों तरफ के कोणों की तुलना करें तो यहाँ पर कोण है थीटा और यहाँ पर कोण 30°। तो कोणों की तुलना से हमको थीटा का मान मिल जाता है कि थीटा बराबर 30°। अब आप देख रहे हैं कि ये 0° से 90° तक के मान हो सकते थे यहाँ पर थीटा के, और 30° इसी के बीच का एक मान है, इसलिए इस समीकरण का हल थीटा बराबर 30° ही होगा।